हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू AFCA क्लासेस। मैं पूजा शर्मा आप सभी का NTT क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि भोजन में किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आज हम उसी से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट पढ़ाऊंगी, जिसमें हम कुछ टिप्पणियाँ पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा हैजा रोग। आपको क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या कारण है, ठीक है, और किस मौसम में होता है, क्या लक्षण होते हैं या कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। तो हैजा क्या है? एक तीव्र संक्रात्मक रोग है जिसमें प्रारंभ में व्यक्ति को दस्त आते हैं, जो कि चावल के दाने के बराबर रहते हैं। इसमें अलग अलग तरह के आपको व्यक्ति की बॉडी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, जैसे उसे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आएंगी, रोगी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसके हाथ पैर में ऐंठन बन जाती है। उसके अलावा अलग अलग तरह से उसके तापमान में गिरावट देखी जाती है। अगर हम मौसम की बात करें तो गर्मी में या फिर ओटम मौसम में ज़्यादातर हैजा रोग फैलता है। अगर बात की जाए कि फैलने के कारण क्या हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा दूषित जल पीते हो, दूध ग्रहण करते हो, सड़े गले या फिर कोई भी आप फ्रूट ऐसे ग्रहण करते हो, तो वहाँ से भी हैजा रोग फैलता है। ये इसके प्रमुख लक्षण पाए गए हैं या कारण इनको बोला जा सकता है। इसका उपाय कैसे किया जाए, उसके बारे में बताया गया है कि जिस कमरे में रोगी को रखा गया है, उसके जो भी फर्श है वहाँ पर चूना पत्थर बिखेर दिया जाए, या रोगी के बार बार हाथ धुलवाते रहना चाहिए, प्रॉपर उसे भोजन या पेय पदार्थ दिए जाने चाहिए, उसको समय समय पर चिकित्सा भी दी जानी चाहिए, जिसपे कोलेरा वैक्सीन का टीका सबसे बेहतरीन बताया गया है। अगर हम बात करें कि प्रॉपर उपचार के लिए और क्या क्या प्रिकॉशंस देखने चाहिए, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा ग्लूकोज मिलाकर कुछ कुछ देर में जल प्रदान किया जाना चाहिए। रोगी को अपनी प्यास बुझाने के लिए बर्फ़ के टुकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। रोगी को गर्म रखने के लिए उसके उचित जो है बिस्तर प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए, ताकि उसके शरीर को अत्यधिक गर्मी मिलती रहे और उसका उपचार एक नियंत्रित तौर पर किया जा सके, ठीक है। सेकंड हम टिप्पणी पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी स्क्रॉल हो रहे हैं, तो इसमें हमारे अलग अलग तरह से कारण मिलेंगे जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वास्थ्य के लिए अलग अलग तरह से कारक बनता है। जैसे कि सबसे पहला कारण हम पढ़ेंगे अनुवांशिकी, दूसरा आता है बाहरी कारण, तीसरा हम पढ़ेंगे रहन सहन का तरीका, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य सेवाएं। तो पहला हमारा टॉपिक आता है अनुवांशिकी, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। ऐसी बीमारियां जो हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिली हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? अनुवांशिकी कारक। अब बाहरी कारण क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि भौतिक कारण हो सकता है, जैविक वातावरण हो सकता है, या फिर रहन सहन का तरीका हो सकता है। इनकी वजह से भी हमारे स्वास्थ्य पे काफ़ी गहरा असर पड़ता है। अब आप इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी पढ़ सकते हो। अब स्वास्थ्य सेवाएं क्या है? दो प्रकार से होती है, निरोधक सेवाएं भी हो सकती है, उपचार का प्रावधान भी हो सकता है, या फिर इसमें आप प्रेरक सेवाएं भी पढ़ सकते हो। तो ये कुछ अलग अलग कारक हैं जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। इसके बाद हम तीसरी टिप्पणी पढ़ेंगे मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि मेंटल हेल्थ। आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है चाइल्ड साइकोलॉजी, उसमें मैंने आपको विस्तार में समझाया था कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है। आप एक बार जाके चैनल पर वो टॉपिक फिर से पढ़ सकते हो, वो सेम ही चीज़ इसमें बताई गई है, तो ये आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि शिशु मृत्यु क्या है। शिशु मृत्यु, जिसको बोला जाता है चाइल्ड मोर्टेली। अब क्या होता है, शिशु का अर्थ अंग्रेजी में चाइल्ड से है, परंतु सामाजिक चिकित्सा में बाल्यावस्था को तीन भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आता है 1 माह की उम्र के बच्चे, दूसरा आता है 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे,
तीसरा आता है 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे। हमारे देश में होने वाली मृत्यु में 20% में 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे आते हैं। इनमें से लगभग आधी मौतें जन्म के पहले माह में हो जाती हैं तथा आधे जन्म के 1 सप्ताह में मर जाते हैं। ऐसा एक सर्वे में देखा गया था, जिसको देखकर ही हमें मृत्यु दर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हुई। अब आगे शिशु मृत्यु के अलग अलग कारण बताए गए हैं, जिसमें हम अलग अलग तरीके पढ़ सकते हैं, जैसे कि जन्म के समय चोट लग जाना, टिटनेस, ठीक है, समय पूर्व जन्म हो जाना, दस्त, जन्मजात विकृति, निमोनिया, नाल में संक्रमण, ये सारे कारण देखे गए हैं जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर बढ़ती हुई दिखाई देती है। उसके बाद विश्व में बाल मृत्यु दर बताई गई है कि भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, या आप अपनी बुक्स में से रीड आउट कर सकते हो। शिशु मृत्यु के कारण जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, वही सेम चीज़ है कि कुपोषण हो जाए, दुर्घटनाएं हो जाए, या फिर निमोनिया, दस्त, इन सब भी मुख्य कारणों की वजह से शिशु मृत्यु दर को बढ़ता हुआ देखा गया है। अगली टिप्पणी है हमारी कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? 5 साल तक की आयु के बच्चों का विकास पर पूरा ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि बच्चों का वजन आवश्यकता से अधिक कम होना शुरू हो जाए या आवश्यकता से अधिक बढ़ना शुरू हो जाए तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति में बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। पोषण वाले भोज्य पदार्थों का सेवन न करने के कारण बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ जाती है, जिससे बच्चा छोटी छोटी बीमारियों से आए दिन बीमार रहने लग जाता है। ऐसे बच्चों को समय पर दूध, दही, फल, सब्जियां पर्याप्त मात्रा में दी जानी चाहिए ताकि उसकी इस बीमारी से सुरक्षा की जा सके। ठीक है, तो ये हमारे कुछ टिप्पणियां थी जो मैंने आपको पढ़ाई। इसके अलावा आपको एक अनदर टॉपिक मिलेगा, मलेरिया। इसके बारे में भी मैं बता देती हूँ कि मलेरिया क्या है। एक प्रकार के प्रोटोजोवा से फैलने वाला रोग है। इसका प्रसार एनाफिल्स जाति की मादा मच्छर से होता है। भारत में इस रोग के नियंत्रण व उन्मूलन के लिए पिछले 20 वर्षों से पर्याप्त प्रयास किया जा रहा है। मच्छरों में DDT और BHC आदि दवाइयों से भी प्रतिरोध बढ़ रहा है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? मलेरिया के मुख्य 4 परजीवी पाए जाते हैं, जिसमें आप पढ़ोगे प्लाज्मोडियम फ्लेस्पेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम ओवेल। ये 4 मुख्य परजीवी पाए जाते हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा मलेरिया रोग फैलता है। अब इसका प्रसार कैसे होता है? आपको पता है कि मच्छर के काटने से ही मलेरिया होता है, तो ये इसी का मुख्य प्रसार है। लक्षण जैसे कि शरीर में दर्द, सिर में पीड़ा, हाथ पैर टूटने लग जाते हैं, शरीर में कंपन के साथ बुखार आता है, बुखार इतना तेज होता है कि आपको कंबल ओढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 1.5 से 2 घंटे तक लगातार बुखार तेज रहेगा, काफ़ी डिग्री माने तो 105 से 106 डिग्री तक पहुंच जाता है। 6 घंटे बाद पसीना आने लग जाता है, वो पसीना इतना आता है कि आपके शरीर के सभी कपड़े, आपके कंबल भीगने शुरू हो जाते हैं। ये सभी लक्षण हैं मलेरिया के। अब इसका निरोधक उपाय क्या क्या है? आपके घरों में DDT का छिड़काव किया जाना चाहिए। घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जालीदार दरवाजे या खिड़कियों के प्रयोग के मच्छरों से परवाह से बच सकते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर समय समय पर रक्त की जांच करवाते रहिए, ताकि अगर आप मलेरिया से ग्रस्त हैं तो उचित आपको जो है चिकित्सा मिल पाए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्पणियां थी जो मैंने आपको आज के टॉपिक में पढ़ाई। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ आई होंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, या कोई पर्टिकुलर ऐसा कॉमन डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। AFCA क्लासेस की तरफ से आप सभी के प्रॉपर डाउट लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी को कुछ जानकारी लेनी है, अदर कोर्सेज के बारे में पता करना है, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर स्क्रॉल होता है आप उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके भी मेरे से जानकारी ले सकते हो। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखते रहें। आगे के लेक्चर आपको नेक्स्ट वीक मिलेंगे।